अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन मटर पुलाव। ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं इसकी मेजरमेंट आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले प्याज डाल दिए हैं। हमने दो बड़े जो खाने के चम्मच होते हैं सालन पकाने वाले, वो ऑयल डाला है। और इसमें हमने एक मीडियम या मीडियम से थोड़ा सा बड़ा प्याज ले लें, वो डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ ही इसके गरम मसाला भी डाल देंगे। गरम मसाले में लिया है जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची और बादियान का फूल। ये इसको अब हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। ये हमने चिकन लिया है आधा किलो से ज़्यादा। मटर लिए हैं हमने इतने थोड़े से ले लें, बस इतने ज़्यादा नहीं हो। और ये टमाटर हमने लिए हैं दो, और दो हरी मिर्ची। ये देखिए इस कंडीशन में जब प्याज आ जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे मटर, टमाटर और हरी मिर्ची और चिकन। तो हम करेंगे ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तेज आंच पे आपने मिक्स करना है। अब हमने इसमें ये 3 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। अब हम इसमें 1 कप के बराबर पानी डाल देंगे और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला डाल दें। देखिए 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कोरमा मसाला डाल दिया। इसको अब हम मिक्स करेंगे। इसका लुक अब ऐसा हो गया। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चिकन और मटर गल नहीं जाए। हमारा चिकन और मटर गल चुके हैं। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि चावल इसमें पक जाए। मैंने 3 कप चावल पहले भिगो दिए थे, तो इस कप से 3 कप चावल मैंने भिगो दिए थे, तो 6 कप पानी जाएगा इसमें। समझे 1.5 कप ऑलरेडी है, तो हम इसमें 4.5 और डालेंगे, क्योंकि हमने 6 कप पानी के पूरे करने। हमने पानी डाल लिया है, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। हमारा बॉयल हो रहा है, हम इसमें चावल डाल देंगे। हमने ये डाल दिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही अच्छा खासा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम पे लगाएंगे। इस कंडीशन में हम इसको दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए, और इसके ऊपर कोई भी हैवी सी चीज दे दें। हमारे पुलाव की फाइनल लुक बहुत मजे का बना है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और जल्दी क्विक बनने वाला पुलाव है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।